हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं रैबिट का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इससे पहले आपको रेप्टिलिया का डाइजेस्टिव सिस्टम बताई थी, आज क्या बता रही हूँ, आज बता रही हूँ आप लोगों को रैबिट का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेशन क्या होती है ये तो जानते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम क्या है वो तो आपको पहले से ही बताया कि सिस्टम कैसे बने, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से फिर क्या बनती है, ऑर्गन सिस्टम बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से सिस्टम पर है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होती है, मतलब पाचन की क्रिया होती है, भोजन ग्रहण किया गया उसका क्या होगा, पाचन होगा। अब उसकी पाचन क्यों होती है ये जान लेते हैं पहले। ठीक है, ये सेल है। ठीक है, अब सेल में आपको बताया थी सेल क्या होता है, बहुत छोटा होता है जिसे खुले आँख से नहीं देख सकते। ठीक है, ये क्या है, सेल है। तो ये सेल है तो इस सेल को क्या चाहिए, ग्रोथ करने के लिए फूड चाहिए। ठीक है, भोजन चाहिए। अब जो भोजन हम लोग ग्रहण कर रहे हैं क्या वो डायरेक्टली इसे ग्रहण कर सकता है क्या, है ना, भोजन जो ग्रहण कर रहे हो क्या बहुत बड़ा बड़ा और जटिल भोजन रहता है, क्या उसे वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब इसे क्या वो ले सकते हैं, ग्रहण कर सकती है, तो नहीं कर सकती, है ना। तो इसे और भी बहुत ज़्यादा छोटे अणु में तोड़ने के लिए, इतना ज़्यादा छोटे अणु में तोड़ते हैं कि सेल है ये इसे ग्रहण कर सकते हैं और अपना ग्रोथ कर पाए। तो इतना छोटा, बहुत छोटा मतलब जटिल अणु है उसे सरल अणु में तोड़ा जाता है। तो किस में तोड़ा जाता है इसे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में तोड़ा जाता है। तो जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ना, इतना छोटे अणु में तोड़ना कि उसका एब्जॉर्वेशन हो सके और उनका उपयोग सेल के द्वारा किया जा सके, तो उसे क्या कहा जाएगा, डाइजेशन कहा जाएगा। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो अब देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन के लिए कैसा कैसा सिस्टम है। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में दो तरह से बांटा गया है, एक है एलिमेंट्री कैनाल और एक कहता है, एक कैसा होता है उसका डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है वो मैं आपको पहले ही वीडियो से बता रही हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या होती है, मुख से एनस तक की बीच में, ठीक है, मुख से एनस तक एक क्या नलिका जैसी संरचना होती है, कुंडलित नलिका संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, माउथ पढ़ने हैं, बकल कैविटी, फेरिनेक्स, इसोफेगस, स्टमक, ठीक है, इंटेस्टाइन और एनस, ये सब किसके अंतर्गत आती है, एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत। ठीक है, अब उसके बाद है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत क्या क्या आती है, तो इसमें आती है म्यूकस ग्लैंड, सेरेबरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, ये सब क्या पढ़ेंगे, ग्लैंड के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अब इसमें ग्लैंड की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, तो ग्लैंड की आवश्यकता क्यों पड़े, जो भोजन ग्रहण किया गया, जटिल भोजन जो ग्रहण किया गया इसे पचाने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो क्या है, तो इसलिए यहाँ पर एंजाइम इसके ग्लैंड पाए जा रहे। तो अब तक जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि किसी में भी सेलिवरी ग्लैंड नहीं था। ठीक है, इसमें क्या है, सेलिवरी ग्लैंड पाई जाती है। तो इसका क्या बहुत ज़्यादा अंतर हो गया, इसमें एक सबसे अलग हुआ, है ना। आगे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि सबका डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इनमें अंतर पाए जाते हैं, सबका कंपेरेटिव करके भी बताऊंगी आपको। तो ये क्या अपनी क्या पढ़नी है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़नी है देख लिए आप, एक बार इसे लिख लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करती हूँ, इसके माउथ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इनके माउथ से। ठीक है, माउथ वाला पार्ट ना, तो ये माउथ है, तो ये माउथ में क्या होती है, लिप्स होती है। ठीक है, उसका माउथ वाला पार्ट है, उसमें क्या रहेंगे, लिप्स रहेंगे। तो उसके अपर लिप्स और लोअर लिप्स दो लिप्स रहेंगे। ठीक है, ऊपर के रहेंगे उसे क्या कहेंगे, अपर लिप्स कहेंगे, और नीचे की ओर जो लिप्स रहेंगे उसे क्या कहा जाएगा, लोअर लिप्स कहेंगे। ठीक, इस लिप्स में दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक है लेबियल ग्लैंड होता है और एक होता है क्या, म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, दो तरह के ग्लैंड हैं, एक कौन सा ग्लैंड है, एक है लेबियल ग्लैंड है और एक होती है म्यूकस ग्लैंड। तो ये जो लेबियल ग्लैंड है वो क्या करती है, तेल का सिक्रेशन करती है, ऑयल का सिक्रेशन करेगा, और म्यूकस ग्लैंड हो किसका सिक्रेशन करेगा, म्यूकस का सिक्रेशन करेगा। तो ये दोनों ग्लैंड है के द्वारा जो सिक्रेट हो रही, इस सिक्रेशन की वजह से लिप्स है, ठीक है, लिप्स या होंट है वो क्या रहती है, नम बनी हुई रहती है। ठीक है, तो माउथ में क्या लिप्स हैं,
तो लिप्स है उसमें क्या अपर और लोअर लिप्स है, इसमें दो तरह के ग्लैंड पाए जा रहे हैं, लेबियल ग्लैंड और म्यूकस ग्लैंड। इन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले, जैसे म्यूकस से म्यूकस ग्लैंड सीक्रेट हो, म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस का और लेबियल ग्लैंड से आयर का सीक्रेशन होगा। तो इनके सीक्रेशन से क्या हो रहा है, इसके सीक्रेशन की वजह से लिप्स है वो नम और मुलायम बनी हुई रहती है। ठीक है, आगे आते हैं बकल कैविटी। तो ये जो माउथ है वो आगे कहाँ खुलती है, माउथ है वो आगे बकल कैविटी में खुलती है। ठीक है, किस में खुलती है, आगे ये बकल कैविटी में खुलती है। ये जो बकल कैविटी है इसमें दो तरह के पैलेट पाए जाते हैं, पैलेट मतलब जो तलवा हो, तल बोलते हैं, ठीक है, तालू, तालो, जैसे कि अगर मुख है तो मुख क्या क्या ऐसे खोला गया, तो इसके ऊपर यहाँ और यहाँ ये क्या है, इसे तालू कहा जाता है। ठीक है, इस भाग को क्या कहा जाएगा, तालू कहा जाएगा। तो ये जो तालू है इसमें जो मैमल्स होते हैं उसमें दो तरह के तालू पाए जाती है, एक हार्ड है, ठीक है, हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट है, और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। तो जो है ये हार्ड पैलेट होती है, ठीक है, ये जो हार्ड पैलेट होती है ये उन एनिमल में पाए जाते हैं जो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, और ये सॉफ्ट है जो क्या ज़्यादा हार्ड पदार्थ को जो नहीं खाते, जैसे शाकाहारी में आगे उनमें कैसा रहता है, सॉफ्ट पैलेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं इसके टंग वाले भाग को। ठीक है, टंग है, इसकी जीभ है, इसमें टेस्ट पैपिला पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जा रही है, इसमें टेस्ट पैपिला पाई जाती है। ये टेस्ट पैपिला है, इसे लिंगुलर पैपिला भी कहा जाता है। ठीक है, जीभिया का, इसे हिंदी में जीभिया का अंकुरण कहेंगे। ठीक है, अंकुरण, अंकुर, तो ये क्या, टेस्ट पैपिला, ये टेस्ट पैपिला है। मैमल्स में चार तरह के टेस्ट पैपिला पाई जाती है। ठीक, एक है क्या इसमें फिलीफॉर्म पैपिला, ठीक है, और एक है फंगी फॉर्म पैपिला, एक होती है फेलिएट पैपिला, और एक होती है सरकुम वेलेट पैपिला। ठीक है, सरकुम वेलेट पैपिला, चार तरह के पैपिला पाई जा रही है। अब यहाँ पर ये शो किया गया है कहाँ पर कौन से पैपिला पाई जाते हैं, ये फंगी पैपिला जो ऊपर में पाई जा रही है, ठीक है, जीभ के सबसे किनारे वाले भाग में, सामने वाले भाग में। एक है फिलीफॉर्म पैपिला जो भी आकार की दिखाई दे रही है, सर्कुवेलम पैपिला जो क्या गोली गोली संरचना दिखाई दे रही है वो है, और इसके जो सबसे लास्ट वाले भाग में क्या होती है, फेलिएट पैपिला होती है। ठीक है, ये सब क्या पैपिला के पार्ट है। आगे फिर आप पढ़ेंगे तीत के बारे में।